हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर विकास गोयल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ कमेंटर्स। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम आपको तभी समझ में आएगी जब आपको थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी अच्छी तरह समझ में आएगी। तो इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आपका बेस थ्योरम का जो बेसिक है वो इसी लेक्चर पे बेस्ड है। अब इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं इस पे, फिर वापस आके थ्योरम पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगी आपको। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 23, इससे पहले 22 क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको, तो होपफुली प्रोबेबिलिटी के बेसिक अच्छी तरह क्लियर हो चुके होंगे। तो देयर आर टू बॉक्सेस, क्वेश्चन में दो बॉक्सेस हैं। फर्स्ट बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट एंड 6 ब्लैक बॉल। दो बॉक्स है वहां पे, फर्स्ट बॉक्स में है 5 व्हाइट 6 ब्लैक बॉल एंड सेकेंड बॉक्स कंटेन 6 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल। तो 6 व्हाइट और 4 ब्लैक है सेकेंड बॉक्स में। ए बॉक्स इज सेलेक्ट रैंडम। अब आपके सामने दो बॉक्स पड़े हैं, अब आपको इन दोनों में से कोई एक बॉक्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और उसमें से एक बॉल निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए वाइट बॉल? तो प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है? वाइट बॉल की। तो लेट्स सपोज मैं आपको बोलता हूं, एक काम करो, ये दो बॉक्स पड़े हैं, किसी एक में से एक वाइट बॉल निकाल के दे दो। तो हो सकता है कोई बच्चा फर्स्ट बॉक्स चूज करे उसमें से व्हाइट बॉल निकाल के दे, या दूसरा बच्चा सेकंड बॉक्स चूज करके उसमें से व्हाइट बॉल निकाल के दे। तो इस क्वेश्चन में दो स्टेप्स हैं। तो पहला है बॉक्स सिलेक्शन, पहले कौन से बॉक्स में से निकालूंगा, और फिर जो बॉक्स चुन लिया उसमें से बॉल सिलेक्शन, उसमें से बॉल निकालनी है। तो बॉल व्हाइट निकालनी है वो फिक्स है, बट बॉक्स फिक्स नहीं है। तो आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो फर्स्ट बॉक्स में से व्हाइट या सेकंड बॉक्स में से व्हाइट। इस बात को ध्यान से समझिए कि फर्स्ट बॉक्स में से व्हाइट और सेकंड बॉक्स में से व्हाइट कैसे हुआ, ठीक है। तो नाउ ये क्वेश्चन आ चुका है मुंबई यूनिवर्सिटी 2006 में। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दो बॉक्स बता दिए। तो आपको पता है फर्स्ट बॉक्स में 5 व्हाइट 6 ब्लैक है और सेकंड बॉक्स में 6 व्हाइट 4 ब्लैक है, ठीक है। अब कोई ना कोई मैं नाम दे देता हूं, तो B1 दे दिया मैंने फर्स्ट बॉक्स का नाम, और B2 मैंने दे दिया सेकंड बॉक्स का नाम। तो जो जो काम है, काम क्या है, एक तो है बॉक्स सिलेक्शन और एक है व्हाइट बॉल सिलेक्शन। बॉक्स दो हैं, तो दैट्स व्हाई मैंने उनका नाम B1 और B2 दिया। तो B1 इवेंट क्या है, मैंने इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट बॉक्स, इसी तरीके से B2 इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग सेकंड बॉक्स। तो बॉक्स सिलेक्शन वाले जितने भी नाम थे मैंने दे दिए। फिर एक व्हाइट बॉल निकालनी है, तो उसका नाम मैंने W देता हूं, इवेंट ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल, ओके, ठीक है। नाउ बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, अब टोटल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम समझिए। अब आपको निकालनी है व्हाइट बॉल, तो ऑब्वियसली व्हाइट बॉल डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर एक बैग होता तो उसी में से व्हाइट निकालनी है, तो कोई ऑप्शन नहीं था आपके पास। तो आराम से 5C1 अपॉन 11C1 हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 5 व्हाइट है और टोटल 11 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अब यहां दो बैग है, तो पहले आपका काम बनता है बैग सिलेक्शन और दूसरा काम बनता है बॉल सिलेक्शन। तो या तो आप फर्स्ट बैग सिलेक्ट करके, यानी B1 सिलेक्ट करके व्हाइट बॉल निकालोगे W, तो या तो आप फर्स्ट बैग सेलेक्ट करके व्हाइट बॉल निकालोगे, या का मतलब प्लस होता है, या सेकंड बैग सेलेक्ट करके व्हाइट बॉल निकालोगे। तो इन बातों को समझोगे, इससे मैंने ये कैसे लिखा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम बच्चों को पढ़ने नहीं पड़ता। तो इस बात को समझिए कि हमने ये कैसे लिख दिया। तो व्हाइट बॉल में डायरेक्ट व्हाइट बॉल नहीं है, उससे पहले बॉक्स सिलेक्शन है और फिर व्हाइट बॉल है। तो या तो फर्स्ट बैग सेलेक्ट करके व्हाइट, या सेकंड बैग सेलेक्ट करके व्हाइट। क्लियर हो गया, होपफुली कोई डाउट नहीं होगा। अब आपको पता प्रोडक्ट में, ये B1 और W प्रोडक्ट में है, इसी तरह B2 और W प्रोडक्ट में है। तो जब भी प्रोडक्ट में प्रोबेबिलिटी खुलती है तो दो फॉर्मूले हैं, एक डिपेंडेंट इवेंट्स के, एक इंडिपेंडेंट इवेंट के। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट काम क्या है, बॉक्स सिलेक्शन, और सेकंड काम क्या है, व्हाइट बॉल सिलेक्शन। अब एक चीज बताओ, बॉक्स के सिलेक्ट करने से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी में फर्क पड़ रहा है? यहां व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/11, और यहां प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6/10। तो दोनों में अलग अलग है,
तो ऑब्वियसली बैक के सिलेक्ट करने से व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब वो डिपेंडेंट इवेंट है। तो आपको पता है डिपेंडेंट इवेंट है, तो कैसे खोलते हैं, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी वैसे ही और सेकंड बटे फर्स्ट, इसी तरीके से आई बात समझे। अब इन सबको वन बाय वन वैल्यू निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वन बताइए। तो फर्स्ट बॉक्स सिलेक्ट करने के चांसेस, बॉक्स हैं कितने, दो, और फर्स्ट बॉक्स कितने हैं, एक। तो जितने बंदे मेरी बात मान रहे हैं अपॉन टोटल बंदे। सिमिलरली सेकंड बॉक्स सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो बॉक्स हैं कितने, दो, और सेकंड बॉक्स कितने हैं, एक, तो 1/2, 1/2। क्लियर हो गया यहां तक? इसी तरीके से ये समझो अच्छी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसको बोलना सीखो, बोलना ही नहीं आता मैक्सिमम बच्चों को, जब बोलना नहीं आएगा तो आप बेस थ्योरम, ये भी क्वेश्चन नहीं समझाएंगे, बेस थ्योरम भी नहीं समझाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन फर्स्ट बॉक्स हैज बीन सिलेक्टेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हेन फर्स्ट बॉक्स इज सिलेक्टेड। इसी तरीके से इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन सेकेंड बॉक्स इज सिलेक्टेड, ठीक है। तो वो W by B1 और W by B2 में फर्क देखो, तो इसका मतलब है व्हाइट बॉल, इसका मतलब है व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट बैग, और इसका मतलब है व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। तो ये बात पल्ले पढ़नी चाहिए आपको। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, तो यहां पुट कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 कितनी है, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग निकालिए, व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, एक ही व्हाइट बॉल निकालनी है, तो है कितनी व्हाइट बॉल, पांच, और टोटल कितनी है, 11। तो यह आ गया 5/11 प्लस सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड बैग दैट इज 1/2, ये निकाल रखा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, तो व्हाइट है कितनी, 6, और टोटल कितनी है, 10, तो 6/10। तो आपको पता है जब भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जितने बंदे फेवर कर रहे हैं अपॉन टोटल बंदे, इसे सिंपलीफाई करो, 5/22 प्लस ये कट जाएगा यहां पे, तो तीन बटा दस। अब एलसीएम लीजिए, आई थिंक एलसीएम आएगा इसका 110, ये 22, 5 110 होता है, 25 आएगा प्लस 11 33, तो ये आएगा 58/110। आप कट सकता है ये 29 पे, ये 55 पे, तो ये आया बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल आई 29/55। तो ये तो मेन जो आपने समझना है वो ये फॉर्मूला समझना है कि थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी ये कैसे लिखा और उसके बाद ये कैसे लिखा, बस दो ही बातें मेन है, उसके बाद इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ओके, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस। अब इसके बाद थ्योरम पे वापस चलते हैं, अब आपको थ्योरम समझ में आ जाएगी। तो थ्योरम में क्या कहा है, इफ इवेंट्स E1, E2, E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी उनमें कुछ कॉमन नहीं है, जैसे ये बॉक्स, बॉक्स में कुछ कॉमन नहीं था, ठीक है, बॉक्स अलग अलग है, ठीक है, एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव फॉलोड बाय एनी इवेंट ए, अगर उसके बाद कोई इवेंट ए करोगे, यानी E1, E2, E3 के बाद अगर कोई इवेंट ए करोगे, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगी, तो डायरेक्ट ए नहीं आएगा, या तो E1 ए आएगा या E2 ए आएगा या E3 ए आएगा। अब आपको पता है जनरली E1, E2, E3 के होने से ए की प्रोबेबिलिटी में फर्क पड़ता है, तो दैट्स वाई दे आर डिपेंडेंट टू इच अदर। तो इनके फॉर्मूला खोल दिया, अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज ए की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन E2, E3 की प्रोबेबिलिटी, और ए बाय इवन का मतलब क्या है ये समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो व्हेन इवन हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो ये मतलब है या ऑलरेडी हैपेंड।
तो ये मतलब है। तो ये फॉर्मूला आपको समझ आना चाहिए, होपफुली कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो होपफुली लास्ट न्यूमेरिकल समय आया होगा। लास्ट न्यूमेरिकल में मेनली ये तीन टर्म्स आपको समय में आनी चाहिए थी। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बॉक्स, ये है व्हाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकंड बॉक्स, या प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन फर्स्ट बॉक्स हैज बीन सिलेक्टेड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल व्हेन सेकंड बॉक्स हैज बीन सिलेक्टेड। तो ये तीनों में डिफरेंस अच्छी तरह आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आपको ये फर्दर लेक्चर और बेस थ्योरम समझ में आएगी। तो जस्ट डू केयर अबाउट इट, ओके। तो दो तीन न्यूमेरिकल और करेंगे हम सिमिलर टाइप के, सो दैट यू विल गेट इन डेप्थ नॉलेज अबाउट द सेम पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 24, ए पर्स कंटेन टू सेक्शंस। तो एक पर्स के पास दो सेक्शन है, दो हिस्से हैं। फर्स्ट सेक्शन कंटेन्स टू सिल्वर एंड फोर कॉपर कॉइंस। तो फर्स्ट सेक्शन के अंदर दो सिल्वर है, फोर कॉपर कॉइन है, एंड सेकेंड सेक्शन has contain four silver and four copper coins, that's fine. If one of these section is selected at random, तो दोनों में से एक section select करना है, then find the probability that a silver coin is drawn from it. तो आपको randomly एक section select करना है, उसमें से एक coin निकालना है, और वो coin कौन सा होना चाहिए, silver. तो ये question है आपका, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, similar type का है. Solve, solution start करते हैं. According to the question, आपका first section में दो silver है, चार copper है, और सेकंड सेक्शन में चार सिल्वर हैं, चार कॉपर हैं। तो इसको मैंने नाम दे दिया E1, इसका नाम दे दिया E2, आपकी मर्जी है, इसका नाम S1, S2, सेक्शन 1, सेक्शन 2 भी दे सकते थे, टोटली आपकी चॉइस है कि आप उसका क्या नाम दे रहे हो। तो E1 और E2। तो पूरे क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एक है सेक्शन सेलेक्ट करना और एक है सिल्वर सेलेक्ट करना, सिल्वर कॉइन सेलेक्ट करना, ठीक है। तो पहले सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन है, दैट इज E1 सेक्शन। अब सेक्शन सेलेक्ट करने के दो ऑप्शन है, सेक्शन 1 या सेक्शन 2, उसका नाम E1 और E2 दे दिया। तो E1 इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग फर्स्ट सेक्शन और E2 इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग सेकंड सेक्शन। उसके बाद आपने सिल्वर कॉइन निकालना है, तो S इज द इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग सिल्वर कॉइन। क्लियर हो गया? तो मैंने तीन नाम दे दिए, E1, E2 और S। तो होपफुली तीनों का डिफरेंस, तीनों का मतलब अच्छी तरह पता होना चाहिए अब आपको। अब क्वेश्चन आगे करते हैं। तो नाउ बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता टोटल प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट लगेगा, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सिल्वर कॉइन की। तो सिल्वर कॉइन डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो या तो दो ऑप्शन है, या तो आप फर्स्ट सेक्शन सेलेक्ट करके सिल्वर कॉइन, या सेकंड सेक्शन में से सिल्वर कॉइन। तो आप डायरेक्ट तो सिल्वर पड़े ना आपके पास दो खाने हैं आपके पर्स में, तो आप या तो पहले पर्स के पहले खाने में से सिल्वर निकाल लोगे, या दूसरे खाने में से सिल्वर निकाल लोगे। ऑब्वियसली जिस सेक्शन को सिलेक्ट किया है उससे सिल्वर की प्रोबेबिलिटी में फर्क पड़ रहा है। यहां सिल्वर की प्रोबेबिलिटी है 2/6 और यहां है 4/8। तो सेक्शन सेक्शन के सिलेक्ट करने से सिल्वर की प्रोबेबिलिटी में फर्क पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये डिपेंडेंट इवेंट है। तो आपको पता है डिपेंडेंट इवेंट है, तो कैसे खोलते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट सेकंड अपॉन फर्स्ट। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड अपॉन फर्स्ट। आपको तीनों में फर्क पता होगा, सिल्वर कॉइन इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सेक्शन 1, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड सेक्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन फ्रॉम सेकंड सेक्शन। होपफुली सबकी वैल्यू पता होगी। सेक्शन है कितने, दो, और निकाल फर्स्ट कितने हैं, एक, तो एक बटा दो। इसी तरह ये भी एक बटा दो, सेकंड सेक्शन भी। सिल्वर कॉइन फ्रॉम फर्स्ट सेक्शन, अब इस सेक्शन के पास आइए और एक सिल्वर कॉइन निकालिए, तो कि सिल्वर कॉइन है कितने, दो, टोटल कितने हैं, छह। तो 2C1/6C1 लिख लो या 2/6 सीधा लिख लो। तो जब भी आपको एक निकालना हो तो आपको सी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं होती। सिमिलरली सिल्वर कॉइन फ्रॉम सेकंड, तो दैट इज 4/8। तो सिंप्लीफाई करो इसको, तो यह आया आपका 1/6 प्लस 1/4। एलसीएम लीजिए, 12 एलसीएम आएगा, 2 + 3, तो यह आया 5/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन, तो यह है आपका आंसर।
अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉपर कॉइन पूछ लेता वो भी सिमिलर रहता, उसमें कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं था। तो मेन आप ये समझिए कि ये कैसे लिखा, E1S और E2S क्यों आया, और इसके बाद ये कैसे आया, और ये फिर ये समझिए कि ये कैसे लिखा। तो आपको हर कंटेंट इसका समझ आना चाहिए, तभी आपको ये समझ आएगा और आगे बेस थ्योरम पढ़नी पड़ेगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मेरे पास तीन बैग है, तो थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, देयर आर थ्री बैग्स ए बी एंड सी। ए बैग कंटेन फोर रेड थ्री ब्लू एंड टू व्हाइट बॉल। बी बैग कंटेन थ्री रेड फोर ब्लू फोर व्हाइट बॉल। सी बैग कंटेन फाइव रेड टू ब्लू और सिक्स व्हाइट बॉल। तो अब इफ वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट। तो एक बैग रैंडमली सिलेक्ट करना है और उसमें से एक ही बॉल निकालनी है। What is the probability that it is a red ball? तो आपको रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसमें से रेड बॉल निकल जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। एमडी रोहतक में 2015 और 2006 में आ चुका है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तीन बैग हैं, बैग ए बैग बी बैग सी, उसका नाम B1 B2 B3 मान लिया, या ABC मानना था तो ABC मान सकते थे। फर्स्ट बैग में चार रेड तीन ब्लू दो व्हाइट, सेकंड में तीन रेड चार ब्लू चार व्हाइट, पांच रेड दो ब्लू और छह व्हाइट थर्ड बैग। ठीक है, तो अब तीन बैग हैं, तो मैंने B1, B2, B3 उसका नाम दे दिया। इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बैग ए, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बैग बी, B3 है, इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग बैग सी, और मुझे निकालनी है एक रेड बॉल। तो R उसका नाम दे दिया इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग रेड बॉल। तो क्लियर हो गया। तो आपको पता है थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, रेड बॉल आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, या तो फर्स्ट बैग में से रेड बॉल B1R या का मतलब प्लस, या सेकेंड बैग में से रेड बॉल या थर्ड बैग में से रेड बॉल। तो तीनों में से किसी एक में से निकालोगे, क्योंकि आपके पास सामने तीन बैग पड़े हैं। तो हो सकता है एक बच्चा फर्स्ट में से निकाल के दे दे, सेकंड बच्चा सेकंड में से निकाल के दे दे, थर्ड बच्चा थर्ड में से निकाल के दे दे। तो कोई बच्चा किसी बैग में से टोटली फ्री है किसी भी बैग में से बॉल निकाल के देने को। तो अब आपको पता है बैग के सिलेक्ट करने से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फर्क पड़ रहा है, तो यह तो दोनों डिपेंडेंट इवेंट्स होंगे। तो आपको पता डिपेंडेंट इवेंट कैसे बोलते हैं, तो अब फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, इसी तरह सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, प्लस थर्ड बैग की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम थर्ड बैग। तो होपफुली इनकी बात पता होगी। अब आपको फर्स्ट बैग की प्रोबेबिलिटी निकालने, बैग है कितने तीन और फर्स्ट बैग कितने एक, तो एक बटा तीन। अब रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, रेड बॉल है कितनी चार, और टोटल कितनी है चार और तीन सात और दो नौ, तो 4/9। तो जब भी आप एक चीज निकालते हैं तो आपको C1 की जरूरत नहीं है। सेकंड बैग 1/3 और रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग तीन, तीन रेड बॉल है और टोटल कितनी है 11, तो 3/11 प्लस थर्ड बैग 1/3 और रेड बॉल फ्रॉम थर्ड बैग पांच रेड बॉल है और टोटल कितनी है 5 × 2 = 7 और 6 = 13, तो 5/13। तो सिंप्लीफाई करो तो यह 4/27, यह आया 1/11 कट जाएगा 3 से 3, और यह आया 5/39। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो, ठीक है, और एलसीएम लेके जितना भी आपका आंसर आए वो आप लिख सकते हो। क्लियर हो गया, तो आप पढ़ लोगे तो उसमें मेरा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो होपफुली उस पार्ट को आप सोल्व कर पाओगे, एलसीएम ही लेना बचा हुआ। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया था ये। ठीक है, तो ये निकाल लीजिएगा, होपफुली समझ आ जाएगा। अब एक एक्स्ट्रा पार्ट सोल्व कर रहे हैं इसी सेम क्वेश्चन पे, वही तीन बैग हैं, बट पहले कितनी बॉल निकालनी थी, पहले बॉल निकालनी थी एक, तो उसको रेड बॉल के चांसेस हैं। अब मैं तीन ही बैग मान रहा हूं, बट अब मैं दो बॉल निकाल रहा हूं, एक रेड और एक व्हाइट। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। अब एक रेड और एक व्हाइट निकालना मैंने मान लिया इवेंट डी। तो अब आपको पता है थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, डी यानी एक व्हाइट और एक रेड डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते। तो मान लो मैं किसी बच्चे को कहूंगा ये तीन बैग पड़े हैं, एक काम कर किसी एक बैग में से एक रेड और एक व्हाइट निकाल के दे दे, तो पहले वो या तो फर्स्ट बैग पे जाएगा या सेकंड पे या थर्ड पे, पहले बैग सिलेक्ट करेगा और फिर जो भी मैंने काम बोला वो करेगा। तो या तो फर्स्ट बैग सिलेक्ट करके वन रेड वन व्हाइट, या सेकंड बैग सिलेक्ट करके वन रेड वन व्हाइट, या थर्ड बैग सिलेक्ट करके वन रेड वन व्हाइट, होपफुली समय आ गया। और उसके बाद ये डिपेंडेंट है, तो इसलिए मैंने ऐसे खोल दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट बैग वो 1/3 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन रेड एंड वन व्हाइट फ्रॉम फर्स्ट बैग, वन रेड एक रेड निकालनी है और एक व्हाइट निकालनी है फर्स्ट बैग से, उसने 1/1 नहीं बोला, कट्ठे बोला भाई निकाल दे एक, तो दैट इज 4C1 इनटू रेड है कितनी 4, निकालनी कितनी है एक,
एक वाइट, वाइट है कितनी, दो, निकालनी कितनी है एक, टोटल है कितनी, चार और तीन सात और दो नौ, और निकालनी कितनी है दो, ये समझिए। आई बात समझ में? ठीक है, तो हमें जो भी काम करना है वो उसके बाद करेंगे। तो डी बाय बी वन और डी में फर्क देखो, इसका मतलब है एक वाइट एक रेड, ये डायरेक्ट नहीं हो सकता, बट एक वाइट एक रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग ये डायरेक्ट हो सकता है। सिमिलरली सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी 1/3, और वन रेड और वन वाइट फ्रॉम सेकंड बैग, तो वन रेड, रेड है कितनी तीन, तो उनमें से एक, वाइट है कितनी चार, तो उनमें से एक, टोटल है कितनी 11, उनमें से दो, प्लस 1/3। अब थर्ड बैग में से भी एक रेड एक वाइट, रेड है कितनी पांच, उनमें से एक, वाइट है कितनी छह, उनमें से एक, और टोटल है कितनी, और टोटल है कितनी 13, उनमें से दो। तो इस तरीके से आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, वो आपको सिंप्लीफाई करना आता है और आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। क्लियर हो गया? तो आपको ये बात पल्ले पढ़नी चाहिए, ये कैसे लिखा तो ये समझ में आना चाहिए। इसके बाद मेरे को लगता नहीं कोई लंबा चौड़ा को काम बचा हुआ इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ठीक है, तो अभी एक दो क्वेश्चन और करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन और स्टार्ट करते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी पे। क्वेश्चन 26, इन ए बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स ए बी एंड सी, तीन मशीन्स है मेरे पास, मैन्युफैक्चरर 25%, 35% एंड 40% ऑफ द टोटल आउटपुट रिस्पेक्टिवली। यानी मशीन ए आपकी जो टोटल बोल्ट बनते हैं उसका 25% बनाती है, मशीन बी 35% और मशीन सी 40%। ऑफ देयर आउटपुट 5%, 4% एंड 2% आर डिफेक्टिव बोल्ट्स। तो जो जो वो आउटपुट बनाती है, मतलब जो ए 25% बनाती है उसका 5% जो है वो डिफेक्टिव है। सिमिलरली बी 35% बनाती है तो उसका 4% हिस्सा डिफेक्टिव बनता है, और सी 40% बोल्ट बनाती है उसके 2% बोल्ट डिफेक्टिव निकलते हैं। तो इफ वन ऑफ द मशीन आउटपुट इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड वन बोल्ट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, तो तीन में तीन मशीनों की ढेरियां पड़ी हैं, उनमें से आपको कोई एक मशीन की ढेरी में से एक बोल्ट निकालना है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ डिफेक्टिव बोल्ट। तो डिफेक्टिव बोल्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी, या तो आप मशीन ए की आउटपुट में से डिफेक्टिव उठाएंगे, या बी की आउटपुट में से डिफेक्टिव उठाएंगे, या सी की आउटपुट में से डिफेक्टिव उठाएंगे। तो ए इवेंट ऑफ चूजिंग मशीन ए आउटपुट, बी इवेंट ऑफ चूजिंग मशीन बी आउटपुट, सी इवेंट ऑफ चूजिंग मशीन सी आउटपुट, और डी मैंने मान लिया इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग या चूजिंग डिफेक्टिव बोल्ट। तो नाउ एज पर द क्वेश्चन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टोटल आउटपुट की 25% जो है वो ए बनाती है, तो ए से किसी बोल्ट के बनने के चांसेस हो गए 25%। बी जो है वो 35% बनाती है, तो बी के थ्रू बनने के 35/100, और सी 40% आउटपुट देती है, तो 40/100 वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। अब ध्यान से देखिएगा, अब उसने कहा जो ए की आउटपुट का 5% डिफेक्टिव है, तो ये डिफेक्टिव की परसेंटेज नहीं है, ये डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन ए की परसेंटेज है, ये डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन बी, और ये डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन सी की परसेंटेज है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम मशीन ए इज 5%, डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन बी 4%, और डिफेक्टिव फ्रॉम मशीन सी 2%। आपको पता नाउ एज वी नो दैट बाय थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, अब आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, डिफेक्टिव सीधा तो निकलेगा नहीं, या तो मशीन ए में से डिफेक्टिव, या मशीन बी में से डिफेक्टिव, या मशीन सी में से डिफेक्टिव, तो दोनों डिपेंडेंट है, क्योंकि ए में डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी अलग है, बी में अलग है, सी में अलग है, तो ये दोनों इवेंट्स आपस में डिपेंडेंट हैं। तो आपको पता डिपेंडेंट इवेंट्स को कैसे बोलते हैं, फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी इनटू सेकंड बटे फर्स्ट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय ए, इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, सॉरी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय बी, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डी बाय सी। इन छह के छह की वैल्यू आपको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना आपको पता है 25/100, और डिफेक्टिव बाय ए पता है 5/100। बस मेन ये समझिए कि डी और डी बाय ए में क्या फर्क है, बस मेन तो ये है, डी डी बाय ए डी बाय बी और डी बाय सी में क्या फर्क है, बाकी लंबा चौड़ा नहीं है क्वेश्चन। तो बी की प्रोबेबिलिटी है 1/35/100 और डी बाय बी है 4/100, प्लस सी की प्रोबेबिलिटी है 40/100
और डी बाय सी की प्रोबेबिलिटी है 2/100। तो आप सिंप्लीफाई करें इसको, आप चाहे तो पहले भी सिंप्लीफाई कर देते हैं, नहीं तो मैं टोटल कर लेता हूं। 4 जीरोस है, मैं निच काटता नहीं। ये आएगा 125, ये आएगा 140 और ये आएगा 80। तो ये आया 80 प्लस ये 220, 220 345 अपॉन 10,000। आप काटना चाहे काट सकते हैं इसको, 5 पे काटें, 5 6 30, 5 5 9 48, 5 10 2000 और जाता है नहीं, मेरे को लगता नहीं हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा अगर कटेगा तो 69/2000। तो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। अगर आप परसेंटेज निकाल लेंगे तो नीचे सिर्फ 100 रखो, इसको 20 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2 3 6, 3.45%। ठीक है, आप देख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है अगर आप ऐसे करना चाहें। ठीक है, परसेंटेज पूछे तो ऐसे निकाल दो, नहीं तो आपको काट पीट के तो आंसर लिखना है। तो मेन तो मेरा काम ये समझाना था कि ये कैसे आया, ये कैसे लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी और डी बाई ए, डी बाई बी, डी बाई सी कैसे लिखा, और उसके बाद ये तो आपको पता है। तो मेरा मेन काम यही था, क्योंकि बाकी का पार्ट आप कंटेंट कर चुके हैं। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस पर्टिकुलर टोटल प्रोबेबिलिटी पे, बट वो थोड़ा ट्विस्टेड है तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 लास्ट क्वेश्चन है टोटल प्रोबेबिलिटी पे, ये थोड़ा सा अलग है जितने क्वेश्चन अब तक किए हैं, होपफुली समझ में आ जाएगा। ए बॉक्स, ए बॉक्स का नाम ए है, कंटेन 2 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ठीक है, अदर बॉक्स बी कंटेन 5 व्हाइट एंड 7 ब्लैक बॉल। तो फर्स्ट बॉक्स में ए में 2 व्हाइट 4 ब्लैक और सेकेंड बॉक्स में 5 व्हाइट 7 ब्लैक। ठीक है, नाउ ए बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉक्स ए टू बॉक्स बी। तो मैंने यहां से एक बॉल निकाल ली, मैंने यहां से एक बॉल निकाली बॉक्स वन से और बॉक्स टू में डाल दी। अब पक्का पता है कि यहीं से निकाली और यहीं पे निकाली, तो चूज चूज करने का काम खत्म है। तो बॉक्स वन से निकालनी है, बॉक्स ए से निकालनी है, बॉक्स बी में डालनी है। देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स बी, जो ट्रांसफर करने के बाद बी से एक बॉल निकाल ली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए व्हाइट बॉल, तो जो सेकंड बार बॉल निकाल ली वो आपने व्हाइट बॉल के चांसेस उसके बताने हैं। क्लियर हो गया? तो वीटी वेलोरे में ये 2004 में आ चुका है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। दो बॉक्स हैं, अब यहां से एक बॉल अगर आप ध्यान से देखें तो अगर यहां से एक बॉल ट्रांसफर करेंगे बॉक्स ए से बॉक्स बी में, तो कौन कौन सी ट्रांसफर हो सकती है? हो सकता है व्हाइट बॉल ट्रांसफर हो, ठीक है, हो सकता है ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो, और ट्रांसफर होने के बाद यहां से व्हाइट निकालनी है। मतलब या तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर होने के बाद व्हाइट बॉल या ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के बाद व्हाइट बॉल निकालनी, व्हाइट ही है। ठीक है, बट फर्स्ट पे दो ऑप्शन है, तो मैं तो तीन तीन इवेंट है यहां पे, या तो फर्स्ट से व्हाइट बॉल ट्रांसफर होगी या फर्स्ट से ब्लैक बॉल ट्रांसफर होगी, बट सेकंड से व्हाइट बॉल ही निकालनी है। तो ये तीन इवेंट मैंने मान ली। तो डब्ल्यू वन क्या मान लिया? इवेंट दैट ए व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉक्स ए टू बॉक्स बी, तो ए व्हाइट बॉल चली गई। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब डब्ल्यू वन ने मान लिया इवेंट दैट ए व्हाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉक्स ए टू बी। तो अगर ए से बी में मैंने व्हाइट बॉल डाल दी, तो अगर ए से बी में व्हाइट बॉल डाल दी तो बी का स्टेटस बताओ, तो बी में हो जाएगी 6 व्हाइट और 7 ब्लैक। अब दूसरा बी वन क्या है? इवेंट दैट ए ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बॉक्स ए टू बी। तो अगर मैं ब्लैक बॉल ट्रांसफर करूं तो बी का बॉक्स बी का स्टेटस क्या होगा? 5 व्हाइट रहेंगी बट 8 ब्लैक हो जाएंगी। तो डब्ल्यू टू का मतलब क्या है? इवेंट ऑफ सिलेक्टिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम सेकेंड बॉक्स आफ्टर ट्रांसफर। तो आपने बी बॉक्स से आपने व्हाइट बॉल निकालनी है ट्रांसफर के बाद, तो वो है डब्ल्यू टू। तो नाउ एज बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी आपको पता है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड बॉक्स में से व्हाइट की प्रोबेबिलिटी। तो अब आपको पता है डायरेक्ट तो सेकंड बॉक्स में से व्हाइट नहीं निकालनी, आपको दो काम करने हैं, या तो फर्स्ट से व्हाइट ट्रांसफर करके फिर सेकंड में से व्हाइट निकालनी है, या फर्स्ट से ब्लैक बॉल ट्रांसफर करके फिर सेकंड में से व्हाइट बॉल निकालनी है। ये बात समझिए, या तो फर्स्ट से व्हाइट ट्रांसफर करके फिर व्हाइट बॉल सेकंड से, या फर्स्ट से व्हाइट बॉल निकाल के फिर सेकंड से व्हाइट बॉल, बात एक ही है। तो आपको पता है ये डिपेंडेंट इवेंट है, तो आपको पता है ये कैसे खुलता है। अब ध्यान से देखिएगा,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग फर्स्ट व्हाइट बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, यानी एक बॉल ट्रांसफर करने के चांसेस यहां से यहां तक, व्हाइट बॉल है कितनी फर्स्ट बैग में, दो, और टोटल कितनी है छह। अब ध्यान से देखिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग सेकेंड व्हाइट बॉल व्हेन फर्स्ट व्हाइट बॉल हैज बीन शिफ्टेड। तो अब ध्यान से देखिएगा, तो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, सेकेंड व्हाइट की जब फर्स्ट से व्हाइट आई हो। तो अगर फर्स्ट से मेरे पास व्हाइट आई हो तो मेरे पास सेकंड बॉक्स में छह व्हाइट होगी और सात ब्लैक होगी, या मेरे को व्हाइट निकालनी है तो व्हाइट है कितनी छह और टोटल कितनी है तेरह। आया समझ में, ये मेन समझो छह बटा तेरह कैसे आया, क्योंकि पहले व्हाइट वैसे तो पांच बटा बारह था, बट यहां से व्हाइट आ गई तो अब ये छह व्हाइट है, तो छह बटा तेरह प्लस फर्स्ट से ब्लैक बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी, यानी फर्स्ट से ब्लैक बॉल शिफ्ट करने की प्रोबेबिलिटी, तो वह ब्लैक बॉल है कितनी चार और टोटल कितनी है छह। अब सेकंड से व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी जब फर्स्ट से मेरे पास ब्लैक आई हो, तो जब फर्स्ट से अगर ब्लैक आई होगी तो मेरे पास पांच व्हाइट होगी और आठ ब्लैक, तो अगर मुझे व्हाइट निकालनी है तो व्हाइट तो पांच ही है, बट टोटल कितनी है, टोटल तेरह हो जाएंगी, पहले बारह थी अब तेरह हो जाएंगी। क्लियर हो गया? अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए जितना हो सके। यहां बचा टू बाय थर्टीन प्लस, यहां बचा 10 बाय 39, एलसीएम लीजिए 39 एलसीएम आया, 39 को 13 से डिवाइड करो 3 आया, 3 टू जा 6 प्लस 10, यह आया 16 बाय 39। तो ये कटता तो है नहीं, तो सेकंड में से वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जब फर्स्ट बॉक्स से एक बॉल ट्रांसफर की है मैंने सेकंड बॉक्स में, तो ये आ गया आंसर। तो होपफुली कोई डाउट नहीं होगा, स्टिल कोई डाउट होगा तो जस्ट फील फ्री टू आस्क। तो टोटल प्रोबेबिलिटी में जितनी तरह क्वेश्चन बनते थे मैंने सारे करा दिए, होपफुली कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब हम करेंगे प्रोबेबिलिटी के छोटे मोटे जो कंसेप्ट बचे होंगे वो करेंगे, और नेक्स्ट करेंगे बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम अब समझ में आ जाएगी अगर तुमको ये लेक्चर समझ में आ गया तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके।